समुदाय यारद्वर नायक नम सौद श्री चंद्र सिंग सर अंत इच्छापड़ी याकंद्रे हनर्ड वर्ष हिड़ू पार्टी संघटने कट ग प्रतियो ग्रामीण ऐन अंदर कार्यकर्त बेसदार प्रतियो ग्रामद हद्द्रे इपत्मूत कार्यकर्त बेसद अंत वो नायक यारो बंद कई लगा निंदरल बर अंतरवत पार्टी टिकेट पार्टी बहुत मोसमेंगे अद्क नम स्वाभिमान धक्के आगे अद्र सल नावेलू कल निर्णय तक एला कार्यकर्त अभिप्राय मेरे इवत ना बंडाय कांग्रेस अभ्यर्थिया निंदक इच्छा मत 101% भारी बहुमत धरते सर अभी जो आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जैसा आप चंद्र सिंह जी को जैसा लहर मिल रहा है कभी किसी को दूसरे को लहर आज तक मिला सर? नहीं नहीं दूसरे को नहीं मिल रहा सर। चंद्र सिंह सर तो हर कम से सभी लोग जो है ना उनका खुद मरीश आ रहे बहुत तो साथ दे रहे। हम है सर आपके पीछे, आप मत डरो, हमारे वफादार कार्यकर्ता है, हम आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप फेरो बोलकर सभी लोग बोल रहे सर। हम सुना है कि हमने पूरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर चंद्र सिंह जी पूरा लोग वन साइड वोटिंग करने वाले के बारे में सुना, क्या कहाँ तक सही है सर? ये सही बात है, 101% सही बात है सर। हर गांव में यही माहौल है, 101% चंद्र सिंह सर को पिछले एक बार बीदर साउथ में 2 बार इंडिपेंडेंट कैंप जीता है, इस बार भी इंडिपेंडेंट जिताने का इरादा है, सब जने का 101% जिताएंगे सर। आपका नाम सर? मेरा नाम लक्ष्मीकांत परेड। कांग्रेस में अब आपके एरिया में तो कॉम्पिटिशन बहुत हो चुका है, आप वोटर्सों को क्या मैसेज देंगे? क्या मैसेज के बात नहीं है सब, युवक है चंद्र सिंह साहब। सब लोग यहाँ पर कांग्रेस के टिकट जो मिले उसको वो तो ये एजड है, और हमारा बीजेपी के कैंडिडेट तो सबको मालूम है वो क्या काम करते हैं क्या काम नहीं सब मालूम है। और बंडप्पा साहब तो उनके बहुत सर्विस हो गए, साहब को भी ज़्यादा यहाँ पर टाइम देने का नहीं हो रहे, उस लिए यंग लीडर रहना बोल के चंद्र सिंह का है कि 13 साल से उन्होंने मेहनत करते हुए भी उनके मेहनत पानी फिर चुका बोल के कार्यकर्ताओं का बहुत गुस्सा है सर, इसके बारे में क्या बोलते सर? देखिए मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मन्ना खेल, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब जो है कांग्रेस वाले यहाँ पर चाहे डिस्ट्रिक्ट का हाई कमान हो या स्टेट हाई कमान हो, साउथ में जो है कांग्रेस के काम करने वालों को आज तक टिकट नहीं दिए, आज तक टिकट नहीं दिए। और जो है चंद्र सिंह साहब यहाँ पर जो है 10-12-13 साल से काम कर रहे हैं और वो विनिंग कैंडिडेट है। विनिंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी हमारी ज़्यादा ट्राई रहा कि भाई इनको जो है टिकट दिया जाए, लेकिन जो है हाईकमान ने इनको टिकट नहीं दिया। और ये जो है कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता हैं और इनके साथ जितने भी जो है जुड़े हुए हैं पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वही गुस्से से जो है इनको ठहरा करें। आज जो है जिता कर इनको जो है फील्ड में ला कर, आज नॉमिनेशन भर कर जो है फील्ड में ला कर जो है कांग्रेस की के नाराज़ कांग्रेस की तरफ से इनको जो है जिता कर जो है फिर कांग्रेस में हम शामिल करेंगे, ये जो है हमारा कोशिश है। अब जीत हार तो जो है ऊपर वाले के हाथ में है, हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि जो है चंद्र सिंह साहब तकरीबन 15,000 से 20,000 लीड से जीतेंगे। और जो जो पिछले 13 साल से जो चंद्र सिंह जी मेहनत करे सर, तो पार्टी वालों को कुछ आप जैसे सीनियर लोग कुछ अप्लीकेशन वगैरह नहीं दिए सर ऊपर हाईकमांड तक, आप जैसे सीनियर लोग किस लिए उनके ऊपर ऐसा ये होगा सर? हम लोग जो है सीनियर लोग जो पूरा डेलीगेशन लेकर जो है AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, DK शिवकुमार साहब, सिद्धरामैया जी साहब और ईश्वर खड़गे साहब, तमाम कांग्रेस के हाईकमान को जो है हम डेलीगेशन लेकर बाजाबता तरीके से टिकट मांगने के लिए फोर्स भी किए। और जो है DK शिवकुमार साहब हमको वादा किए थे कि जो है चंद्र सिंह अच्छे मेहनती आदमी हैं, 12-13 साल से वो काम कर रहे हैं और उनके काम को जो है हम सराहते हैं और जो है अच्छा काम कर रहे हैं बोल के हमारे नॉलेज में है और उनको जो है टिकट मैनेज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे बोलकर वादा किए थे। उसके बावजूद भी टिकट नहीं दिए, शायद वो डिस्ट्रिक्ट वालों का प्रेशर था इसलिए जो है नहीं दिए। और जो है आज जो है हम इनको कांग्रेस के जो है नाराज़ कांग्रेसी की तरफ से पूरे वर्करों की तरफ से उनको जो है वर्कर की तरफ से उनको जो है इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भरने के लिए तैयार करें और उनको कैंडिडेट बनाए। मैं और एक बात पूछना चाहता हूं सर आपसे, चंद्र सिंह साहब जो 13 साल से मेहनत करे फिर भी उसके बावजूद भी लोग बाहर से
ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು, ನಾವು ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ. ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಸಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಲೋಗೋ ತಳಗ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.